आखिर क्यों इंजीनियर से हीरो बने थे विक्की कौशल, जाने कैसे बदली उनकी जिंदगी। जी हाँ, विक्की ने बताया था कि एक वक्त पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए जब उन्हें लगा कि वे 9 से 5 वाले जॉब के लिए नहीं बने हैं, तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू कर दिया था। कई मशहूर फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने के बाद फिल्म मसान के साथ उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। विक्की कौशल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टंट कोरियोग्राफर्स में से एक माने जाने वाले श्याम कौशल के बेटे है। विक्की फिल्म इंडस्ट्री से बचपन से जुड़े हुए थे, हालांकि तब भी उन्हें इंडस्ट्री में आने और जगह बनाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इंडिया टुडे संग एक इंटरव्यू में विक्की कौशल ने बताया था कि कैसे उनका जीवन बदला था। इस बारे में बात करते हुए विक्की ने कहा था, ये किसी सपने की तरह है। कभी कभी मुझे लगता है कि ईश्वर मुझ पर बहुत मेहरबान रहा है। जब मैं इस सब से आया था तो जानता था कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मेरे आने का इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि आ बेटा तुझे लॉन्च करते हैं। मेरा सफर 2009 में शुरू हुआ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। मैं उसके बाद एक्टिंग में कूद पड़ा। मुंबई में मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया। इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। मैं थिएटर भी कर रहा था। इसके बाद मैंने ऑडिशन देना शुरू कर दिया, एड फिल्म, फिल्म, शॉर्ट फिल्म, हर तरह के काम के लिए। इसी बीच मुझे ये महसूस हुआ कि यार मैं अभी बहुत दूर हूँ। मुझे याद है एक दिन मैं लंच कर रहा था और मेरी माँ मेरे साथ बैठी हुई थी। ये एक बहुत बुरा दिन था, मैं निराश था। मैंने माँ से कहा कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये सब किस तरह होगा। तब मेरी माँ ने कहा कि ये होगा या नहीं होगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम्हें बस ये यकीन जिंदा रखना है कि ये हो जाएगा। विक्की कौशल ने कहा कि उस दिन से उन्होंने ये मानकर चलना शुरू कर दिया कि वे रोज एक चीज पर काम करेंगे। इस सफर के दौरान मैं हर रोज किसी दिग्गज शख्सियत से मिलता था और ये सफर मेरे लिए खूबसूरत होता चला गया। ईश्वर मुझ पर मेहरबान बना रहा। आपको आगे बताते हैं कि विक्की कौशल अब किन किन फिल्मों में नजर आएंगे। बता दें कि विक्की कौशल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म मसान से किया था। हालांकि उन्हें पॉपुलैरिटी फिल्म संजू में संजय दत्त के दोस्त कमली का किरदार निभाकर मिली। इसके बाद विक्की को फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखा गया, जो सुपरहिट साबित हुई थी। अपने करियर में विक्की कौशल कई फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग टैलेंट का लोहा मनवा चुके हैं। जल्द ही उन्हें फिल्म अश्वत्थामा और सेम बहादुर में देखा जाने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।